देवास जिले की सतवास तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम लोहारदा नगर पंचायत के एक कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिजनों ने ग्रामवासियों के साथ नपा अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला है। मामला काफी गंभीर हो चुका है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। विगत 22 वर्षों से नगर परिषद लोहारदा में अस्थायी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे रामकृष्ण पिता राधेश्याम मीणा, जो कि नल चलाने का कार्य करते थे, उसे 2 माह पूर्व नगर परिषद से बिना कोई कारण बताए बंद कर दिया था। आर्थिक तंगी के चलते 1 नवंबर को उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। इलाज के लिए खुड़ेल के एक एलर्जी अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां 3 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने के बाद उसने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने परिजनों को शव सौंप दिया था। मृत कर्मचारी की मौत को लेकर मृतक की पत्नी के द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। मृतक की पत्नी ने बताया कि नगर परिषद लोहारदा अध्यक्ष पति सुनील मालू के द्वारा पूर्व से चली आ रही रंजिश के चलते उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। उनका पति विगत 22 वर्षों से नगर परिषद में कार्यरत था, उन्हें बिना किसी कारण के बंद कर दिया गया। इन सभी तनाव के चलते उनके पति के द्वारा यह कदम उठाया गया था। दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर मृतक के परिजनों के द्वारा सोमवार को नगर परिषद का घेराव किया गया। आक्रोशित लोगों ने नगर परिषद अध्यक्ष संध्या, पति सुनील मालू व गोपाल मालू हाय हाय के नारे लगाए। नगर परिषद के गेट पर महिलाओं के द्वारा ताला भी लगा दिया गया, क्योंकि आक्रोशित लोगों को जवाब देने के लिए परिषद में कोई भी जवाबदार अधिकारी नहीं था। मौके पर थाना प्रभारी काटाफोड़ केसी परस्ते स्टाफ के साथ पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन देकर परिजनों को रवाना किया। इस मामले में मृतक की पत्नी ने परिषद अध्यक्ष के खिलाफ मनमानी और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। वहीं थाना प्रभारी से चर्चा करने पर उन्होंने जांच और कार्रवाई की बात कही है। सर, पूरा मामला तो यही है कि जब से सुनील मालू अध्यक्ष बना है तब से हम मेरे परिवार को टॉर्चर ज्यादा किया जा रहा है। इससे पहले भी 3 साल से हम बहुत टॉर्चर क्यों किया जा रहा था इनके सर, जातिवाद विरोध था ये तो हमसे जातिवाद विरोध निकाल रहे, इनके पीछे लगने वाले है, सब चालू है। लेकिन जो मेरा पति था वो 22 साल से कार्यरत था, बिना कारण उसको बंद कर दिया गया, बिना चेतावनी का, बिना लिखित का, कुछ कारण भी नहीं बताया। उससे वो बहुत टेम्परेचर में बहुत परेशान था, टॉर्चर पे टॉर्चर, किसी से पूछते कि मुझे भैया क्यों बंद किया गया तो हमें नहीं मालूम, तो बंद है तो बंद ही रहेगा, ऐसे बार बार टॉर्चर करते तो मेरे से। अच्छा, कितने सालों से ये नगर पंचायत में कार्यरत? 22 साल से। इनके साथ में कितने लोग परमानेंट हो चुके थे अभी तक? सर, 3-4 लोग परमानेंट हो चुके हैं। पैसे के हमसे तो पैसे की डिमांड की गई थी कि बोले पैसे ला, सबने बोले दिए 50-60 हज़ार तुम दो तो बोले हम परमानेंट करेंगे। तो उस समय हमारी कंडीशन बहुत खराब थी, हम कहाँ से पैसे ला के देते सर। हमने बोला था कि तनख्वाह में से काट लेना, जैसे तनख्वाह डलेगी उसमें से थोड़े थोड़े माइनस करते हुए जाना, तो हमको परमानेंट कर दीजिए, पर उन्होंने नहीं करा सर। जी, तो इस घटना के 2-4 दिन पहले ऐसा कुछ आपके पति से जो बात हुई थी, तो उन्होंने क्या निकला था मामला पूरा? सर, उस मामला तो ऐसे निकला था कि बार बार उसको यही बोला, वो बार बार यही कह रहा था कि मुझे किस कारण बंद कर दिया गया। अच्छा, मैं भी उनके साथ गई थी, मैंने कि तुमको, वो एक लड़का आया था विजय माली, ऐसा बोले कि तुमको बंद कर दिया गया, मोटर चालू बंद, तुम्हारी ड्यूटी मैं करूंगा। तो मैंने बोला कि तुम ड्यूटी क्यों करोगे, मेरा पति ड्यूटी कर रहा ऑलरेडी। तो बोले उसको बंद कर दिया गया है। तो मैंने किस कारण, तो बोले आप जाके बोले सीमो साहब से, अध्यक्ष से पूछो, उन्होंने मुझे बोला है, इसलिए मैं मोटर चालू बंद करूंगा। तो मैं सर मेरे पति को लेके उसी समय 5-6 बजे में गई, तो वो नगर पंचायत बंद हो चुकी थी, मैं सीमो साहब जो कमरे पर रहते थे उनके घर गई। तो उन्होंने ऐसा बोला कि आपका जो मैटर है वो हम नहीं कुछ कर सकते, और 22 साल वाला कभी बंद भी नहीं हो सकता, ये हम भी बोल सकते। लेकिन किन्होंने बोला था आपसे? सीमो साहब ने बोला था, बोले जो भी कर रहे हो आपका अध्यक्ष कर रहा है, हम तो उसके आगे विवश है, बोले पूरी परिषद उनके अधीन आती, वो जो करेंगे वही होगा, बोले हम तो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, बोले। तो सर उसके बाद हम उनके पास, बोले आप अध्यक्ष के पास चले जाओ, वो आपका निराकरण करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, तो कैसे इन्होंने, मतलब ये जो घटना घटी हो तो थोड़ा सा आप बताइए। सर, ये घटना का तो वो सुबह से घर से गए थे, खाना बोले बना के रखना, मैं खाना खाऊंगा, नगर पंचायत जा रहा हूँ। तो उसके बाद पता चला सर कि नगर पंचायत में कुछ उनका विवाद इसी घटना पे से हुआ। क्या विवाद हुआ था सर, ये तो पता नहीं, दूसरे बोलते हैं कि बोले उन्होंने ऐसा बोला था कि मुझे क्यों बंद कर दिया। किनसे विवाद हुआ था? नगर पंचायत में बैठे थे अधिकारी, सभी बोले। अच्छा अच्छा,
ये सब बताया जा रहा था सर। तो कितने बच्चे हैं आपके, आप बताइए। सर दो बच्चे मेरा, एक ये बालक है आपका, कितने साल की उम्र है इसकी? सर इसकी 8 साल की है। और बालिका है ये? ये 8 साल का है सर, और ये 5 साल की मेरी गुड़िया है सर। मेरे बहुत मासूम बच्चे हैं सर। अब इनको इंसाफ दिलवाना आपका काम है सर। मैं सरकार से, यही शासन से डिमांड करती हूँ कि मेरे बच्चों को का अच्छा से अच्छा भरण पोषण या अच्छे से अच्छे भविष्य की कामना की करती हूँ। और मेरा मकान जो तुमने तोड़वाया है 3 साल। अब आप ये बताइए, शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं इस पूरे मामले को लेकर के? सर मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का अच्छा से अच्छा भविष्य हो, उनको अच्छे संस्कार मिले, और मुझे या तो मुझे मेरे पति की जगह नौकरी दे। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरा BTI करा हुआ है जी सर। और मेरा जो मकान 3 साल से उसका। और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई चाहते हैं आपकी, इस प्रकार की जो घटना घटी है जी सर? तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला देखा जाए तो प्रताड़ना से रिलेटेड आ रहा है, तो आप क्या मांग चाहते हैं शासन प्रशासन से? सर ये चाहते हैं किस प्रकार की जांच होनी चाहिए जो घटनाक्रम घटा है। घटना घटी तो सर मेरे पति को इंसाफ चाहिए, पूर्ण रूप से उनके बच्चों का पूरा लालन पालन या उनके भविष्य को देखकर पढ़ाई लिखाई। और मेरा जो मकान का 3 साल से प्रकरण चल रहा है, मैं टूटे मकान में कीड़े मकोड़े मेरे की जिंदगी काट रही हूँ गंदगी की। अब आपका पूरा नाम बता दीजिए आप। जी सर मेरा नाम रंजना पति रामकृष्ण मीणा। कौन से गांव निवास? लोहारदा की नगर परिषद लोहारदा, तहसील सतवास है सर, जिला देवास। देवास जी सर। सर नौकरी तो मुझे परमानेंट नौकरी भी चाहिए सर, और बच्चों उनको बोलिए बच्चों के लालन पालन के लिए भरण पोषण के लिए सारी व्यवस्था की जानी चाहिए सर। मेरे मेरे बच्चे की ये मांग चाहते हैं आप शासन प्रशासन। आज जो है ये एक मतलब व्यक्ति जो है जहर पी करके जहर पी लेते, जैसे जो है इंदौर ले गए, वहाँ उसकी मौत हो गई, तो उसको लेकर के आए थे कि अपराध दर्ज कर दीजिए। तो मेरे द्वारा कहा गया कि वहाँ से जैसे ही जीरो का काम ही आएगा, हम असर कर करके उसकी जांच कर, जैसे शख्स मिलेगा वैसे कार्रवाई की। कहाँ का मामला था सर? ये लोहारदा का। सतवास तहसील के काटा फूड से दोपहर न्यूज के लिए द्वारका शर्मा की रिपोर्ट।